हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मनपा में निकट भविष्य में होने वाले आम चुनाव के लिए मंगलवार को महिलाओं के आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का ड्रॉ खुलने के बाद कई चेहरों पर मायूसी छा गई। हालांकि अभी चुनाव लड़ने के लिए टिकट पक्का तो नहीं हुआ है, लेकिन आरक्षण में प्रभाग सुरक्षित होने पर कई चेहरों पर खुशी भी दिखाई दी। ड्रॉ के कारण प्रभाग के समीकरण बदलने से कई कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। उल्लेखनीय है कि नई 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की ओर से नई प्रभाग रचना तैयार की गई है। जनसंख्या के आधार पर कुल 156 सीटों का निर्धारण कर 52 प्रभाग तैयार किए गए, जिनमें 31 सीटें अनुसूचित जाति प्रवर्ग, 12 सीटें अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग और 44 सीटें सर्वसाधारण महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 25 सीटें सर्वसामान्य वर्ग के लिए रखी गई है, जहां न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी लड़ सकेंगी। उल्लेखनीय है कि नागपुर महानगर पालिका के क्षेत्राधिकार में तमाम प्रभागों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसके अनुसार 78 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नर्सों की हड़ताल के चलते अब स्थिति बिगड़ने लगी है। हालांकि निवासी डॉक्टर और नर्सिंग के विद्यार्थी 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, लेकिन दिक्कतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि अब मेडिकल, मेयो और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गंभीर मरीज जाने से कतरा रहे हैं। भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कम होने लगी है। आंदोलन को 6 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सका। नर्सों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अब स्थिति यह है कि निवासी डॉक्टर भी परेशान हो गए हैं। अपने काम के साथ ही नर्सों की भी जिम्मेदारी निभाने की वजह से बोझ बढ़ता जा रहा है। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ। यह सभी ऑपरेशन रद्द कर दिए गए। मेडिकल में इमरजेंसी सेवा के लिए हर दिन 7 से 8 नर्सें आ रही हैं। इतनी कम नर्सों में इमरजेंसी सेवा पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि बीएमसी और एसएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को काम पर लगाया गया है, लेकिन कोविड की वजह से कई दिनों तक प्रैक्टिकल वर्क बंद होने से अनुभव की कमी महसूस हो रही है। कठिन प्रतियोगिता के दौर में खुद की दशा सुधारने के लिए एसटी महामंडल निजी निवेशकों की मदद भविष्य में ले सकता है। इसकी वजह फंड की कमी को माना जा रहा है। वर्तमान में एसटी महामंडल करीब 400 बसों का संचालन कर रहा है। इनमें से अधिकांश बसें चलने से बाहर होने की कगार पर है, तो कुछ हो चुकी है। इन बसों को बदलने के लिए भारी भरकम रकम चाहिए, जो फिलहाल मंडल के पास नहीं है, लेकिन अधिकारी पैसे की जुगाड़ में लगे हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही उनकी कोशिशें साकार होती दिख सकती हैं। बता दें कि एसटी महामंडल को निजी बस संचालकों से कई तरह की चुनौतियां मिल रही हैं, जिससे उसके अस्तित्व पर संकट आने के संकेत भी मिलने लगे हैं। अगर उसे बाजार में रहना है तो अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। बसें बदलने के साथ ही पूरे सिस्टम को अपडेट करना होगा। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ ही व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यात्री यात्रा करें। वर्तमान व्यवस्था में यह संभव नहीं है। अधिकारियों की माने तो मुंबई में इसकी बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। ओबीसी राजकीय आरक्षण की पुनः बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा जमा करने के लिए राज्य सरकार ने समर्पित आयोग का गठन किया है। आयोग के सदस्यों ने नागपुर का दौरा किया। इस दौरान ओबीसी एनटीवीजे समाज समिति के अध्यक्ष नाना उमाठे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, भटकिया जनजाति, विमुक्त जाति आदि का अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध कराया गया। उमाठे ने बताया कि 1931 की जनगणना के अनुसार 52% जनसंख्या वाले ओबीसी एनटीवीजे समाज को केंद्र सरकार द्वारा गठित 1953 के कालेलकर आयोग ने तथा 1977 के मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए अनेक सिफारिशें सरकार को की थी, परंतु आज कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। नगर सेवकों की संख्या काफी कम है, इसलिए इस समाज को जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रतिनिधि मंडल में शहरी महामंत्री राम आम्बुलकर, रुकेश कोंगे, विजय खंडे, संदीप गुर्जर, नितिन गुर्दे, सुनील हिरणवार, राजेश बांते, रविन्द्र चौहान, प्रमोद बेले, मुरलीधर भोले, कमलेश, नरेश बर्डे, प्रकाश बागड़े, संजय देशमुख आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण शामिल थे। महावितरण के नागपुर प्रादेशिक कार्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नागपुर रेंज के प्रादेशिक निदेशक सुहास रंगारी ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर महापारेषण के मुख्य अभियंता सतीश अणे, महावितरण के प्रादेशिक कार्यालय के महाव्यवस्थापक शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता हरीश गजबे, अविनाश सहारे, उप महाव्यवस्थापक प्रमोद खुले, उप महाव्यवस्थापक रूपेश देशमुख, महाव्यवस्थापक प्रदीप सातपुते, कार्यकारी अभियंता समीर शेंद्रे, मंजुषा आड़े, प्रज्वला किरणा के सह मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे, उप विधि अधिकारी डॉक्टर संदीप केने, प्रणाली विश्लेषक प्रवीण काटोले, प्रसन्न येलने, वरिष्ठ व्यवस्थापक अशोक पोइनकर, उप मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सचिन लहाने और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती मंगलवार को नागपुर सुधार प्रन्यास के मुख्यालय में मनाई गई। नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष और नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस अवसर पर नागपुर सुधार प्रन्यास के महाप्रबंधक निशिकांत सुके, सह निदेशक नगर नियोजन विभाग आरडी लांडे, नागपुर सुधार प्रन्यास के कार्यपालक अधिकारी अनिल राठौर एवं शाखा अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को 2 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में धर्मपेट जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। धर्मपेट जोन के अंतर्गत लॉ कॉलेज चौक स्थित अरविंद स्टोर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह खरे टाउन धर्मपेट स्थित 7 कॉरिडोर कॉफी हाउस के खिलाफ नेताजी फुले मार्केट में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री का कचरा डालने पर कार्रवाई की गई और उसे 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये कार्रवाई एनडीएस प्रमुख विरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। मंगलवार को महाराष्ट्र के काटोल से पूर्व विधायक डॉ. आशीष देशमुख ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के नेता इमरान प्रताप गढ़ी को लाने के कारण इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेता इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई और इसे स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। आशीष देशमुख ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पत्र साझा किया। आशीष राव देशमुख ने लिखा कि बाहरी उम्मीदवार को थोपने से पार्टी को विकास के मामले में कोई फायदा नहीं होगा। ये महाराष्ट्र में सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और कवि 34 वर्षीय इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रताप गढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध रहेगा। टीका दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,131 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,59,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 16,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, नागपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ विदर्भ फार्मेसी कॉलेजेस के संयुक्त तत्वावधान में नागपुर जिले के तमाम फार्मासिस्ट एवं केमिस्ट का स्नेह मिलन तथा सत्कार समारोह रविवार 29 मई को शाम 5:30 बजे कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग नागपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू पटेल का केमिस्ट तथा फार्मासिस्ट परिवार के 2000 से ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति में सत्कार किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर मोंटू पटेल ने कहा कि भारत में फार्मेसी शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा फार्मेसी कॉलेजों के शिक्षण स्तर तथा शिक्षा के मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। समारोह के प्रमुख अतिथि दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रकुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने फार्मेसी पेशे को और अधिक विकसित करने के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि डॉक्टर मोंटू पटेल के गतिशील नेतृत्व में फार्मेसी शिक्षा और अधिक फलेगी फूलेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने की और उन्होंने अपने भाषण में सभी सदस्यों से मौजूदा तकनीकों से तालमेल बनाए रखते हुए फार्मेसी व्यवसाय एवं शिक्षण को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आगामी 7 से 17 जून के दौरान सृजनशीलता संवर्धन शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में बच्चों को पेंसिल स्केच नृत्य चरित्र नाटक और आत्मरक्षा आदि गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिविर निःशुल्क होगा। विश्वविद्यालय के अभिनव गुप्त संकुल सभागार प्रदर्शनकारी कला विभाग में आयोजित इस शिविर का समय सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक रहेगा, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
शिविर में सहभागिता हेतु 1 से 5 जून के दौरान पंजीकरण किया जा सकता है और पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। कांग्रेस के युवा नेता पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पूरे भारत के युवाओं में रोष का वातावरण निर्माण हुआ है। नागपुर युवक कांग्रेस के वसीम खान के नेतृत्व में सीए रोड सेवा सदन चौक पर सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पंजाब सरकार के विरोध में युवाओं ने अपना रोष व्यक्त किया और भगवंत मान तथा केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर वसीम खान ने इस हत्या के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भगवंत मान से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में मूसेवाला के चित्र पर फूलों की माला अर्पण कर मोमबत्ती जलाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन पैगवार, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, राजा चिलाटे, आशीष दीक्षित, नफीसा सिराज अहमद, गीता जलगावकर, सुशांत गणवीर, उमेश डाखुरे, फिरोज खान, विजय साखरे, जिशान खान, अतुल नवनागे, मोहित डावरे, सितिज साखरे आदि उपस्थित थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के वाणिज्य विभाग के डिप्टी सीटीआई राजकुमार का रेलवे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में आयोजित 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। राजकुमार द्वारा टिकट चेकिंग के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को देखते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया था। वर्ष 2021-2022 में उन्होंने बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले 14,679 यात्रियों से 71,92,680 रुपये वसूले, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में सर्वाधिक है। इस पुरस्कार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उपल तथा रविश कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सहित सभी रेल कर्मियों ने उन्हें बधाई दी। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया जूनियर कॉलेज लोनारा नागपुर में राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के हाथों नए जूनियर कॉलेज का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रवि कलसाई, मदन कुमार कड़वे, स्वाति बोधनकर, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिखले, डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर शबाना अंजुम, हजरीना सलीम, राहिला अंजुम, मसर्रत अली, लोकेश महाजन तथा छात्रगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री उदय सामंत ने डॉक्टर अनिस अहमद को बधाई दी और नए कॉलेज की उन्नति तथा विकास के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ग्रामीण महिला तथा छात्रों के विकास के लिए किए हुए कार्य की सराहना की। छात्रों को शिक्षा के महत्व को बताते हुए भविष्य में अपने सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर शबाना अंजुम ने नए जूनियर कॉलेज की जानकारी देते हुए कॉलेज स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा साइंस, कॉमर्स और बायोफोकल शाखा में छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इस कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में तालीम दी जाएगी। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल सावनेर में ऑनलाइन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष करीब 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन से अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बावजूद भी तंबाकू के सेवन के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। तंबाकू के सेवन से कैंसर के साथ ही हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को तंबाकू से होने वाले गंभीर रोगों से आगाह करने और नशे के सेवन से लोगों को दूर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई 1987 में की गई थी। अगर महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती है तो यह उनकी फर्टिलिटी के लिए हानिकारक हो सकता है। धूम्रपान वाली महिलाओं में गर्भपात और डिलीवरी समय से पहले ही हो जाती है, जिससे बच्चों में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तंबाकू उत्पाद बड़ी कंपनियां युवाओं को लुभाने के लिए विज्ञापनों के जरिए उन्हें अपने जाल में फंस रहे हैं। यही वजह है कि टीनेजर्स में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खर्रा एवं यहां तक कि हुक्का की भी लत तेजी से बढ़ रही है। नागरिकों की मांग तथा स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाएं पहले की तरह शुरू होने से शिक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो नागपुर ने ऑरेंज लाइन यानी कस्तूरचंद पार्क स्टेशन से खापरी मेट्रो स्टेशन तक की रूट और एक्वा लाइन यानी सीतावर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन तक की रूट में मेट्रो फेरियों में बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी की गई मेट्रो फेरियां आज से ऑरेंज और एक्वा लाइन पर शुरू होगी। इसके अंतर्गत यात्री सेवा सुबह 6:30 बजे से दोनों लाइन से शुरू होगी। दिन की पहली मेट्रो सेवा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी तथा सुधारित समय सारणी के अनुसार इन दोनों मार्ग के टर्मिनल स्टेशन से आखिरी मेट्रो ट्रेन रात 10 बजे की रहेगी। सप्ताह के सभी दिन सुबह 6:30 बजे से रात के 8 बजे तक हर 15 मिनट में और उसके बाद 10 बजे तक हर 20 मिनट में मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले रविवार यानी 29 मई से महामेट्रो ने ऑरेंज और एक्वा लाइन मार्ग की मेट्रो सेवा हर रविवार रात 10 बजे तक बढ़ाई है। कोरोना महामारी के पहले वरिष्ठ नागरिकों व छात्रों को रेल टिकट में छूट दी जाती थी, परंतु कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में रेलवे को हुए घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार द्वारा इस छूट को बंद किया गया था। इसी प्रकार जयस्तंभ चौक पर यातायात समस्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसे आवागमन हेतु सुचारू बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू के नेतृत्व में मनिंदर सिंह उप्पल मंडल रेल प्रबंधक से भेंट कर ज्ञापन सौंपते हुए इन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। वीटीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी ज्ञापन प्रेषित किए गए। वीटीए प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय में चर्चा हेतु मध्य रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे से भी समय मांगा था, परंतु व्यस्तता के चलते वे समय नहीं दे पाई। वीटीए के अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू ने कहा कि हम जानते हैं कि कोविड के मुश्किल दौर में रेलवे को हुए घाटे की पूर्ति के लिए वरिष्ठ नागरिकों व छात्रों को रेल टिकट में दी जाने वाली छूट को बंद किया गया था, लेकिन अब यह कंसेशन दोबारा बहाल करने का समय आ गया है। श्री सौराष्ट्र दशा श्रीमाली वाणिज्य संघ की वार्षिक आम बैठक एवं चुनाव सभा टेलीफोन एक्सचेंज चौक सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित दशा श्रीमाली भवन में आयोजित की गई। एजीएम वर्तमान अध्यक्ष विपिन कामदार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई और इसका संचालन सचिव वीरल कोठारी द्वारा किया गया। एजीएम के बाद वर्ष 2022-24 के लिए चुनाव अधिकारी चंद्रेश बदानी और भरत बटाविया द्वारा संचालित किया गया था और निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रस्टी पदाधिकारी कार्यकारी समिति के सदस्य संयोजक और विभिन्न समिति के उपसंयोजक के रूप में चुना गया। अध्यक्ष विपुल कोठारी बने, उपाध्यक्ष चंद्रेश मेहता और जितेश गोड़ा को बनाया गया। सचिव जिनेंद्र बदानी बने, संयुक्त सचिव लैलेश मेहता को बनाया गया। कोषाध्यक्ष मितेश रूपाणी बने, जबकि कार्यकारी सदस्य के पद से दिलीप पारेख, गौतम बदानी, जय दोषी, कमलेश भायानी, संदीप रूपाणी, अमित मेहता, अतुल दाठिया, जुल्फेश शाह, केतन कामदार, केतन पारेख, सचिन कोठारी, विराज देसाई को नवाजा गया। पारिवारिक विवाद होने के कारण भले ही पति और पत्नी को अलग अलग रहना पड़ रहा हो, लेकिन संतान की देखभाल में किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए पिता कमलेश की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने का मामला उजागर हुआ। बेटे के उपचार के लिए नियमित डॉक्टर के पास जाना जरूरी था, किंतु पत्नी द्वारा बेटे को डॉक्टर के पास नहीं लाए जाने पर पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पत्नी को ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस जारी करने के आदेश दिए। आदेशों के अनुसार कमलेश ने पत्नी की बहन के ईमेल पर नोटिस जारी किया, लेकिन इसका जवाब दायर नहीं किया गया, जिस पर सोमवार को न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने बच्चे के हितों का ध्यान रखते हुए मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए रखने के आदेश दिए। साथ ही ईमेल से नोटिस प्राप्त हुआ या नहीं, इसकी जानकारी भी प्रस्तुत करने के आदेश दिए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।